चलिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। वन माइनस साइन ए बाय वन प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेना है इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए वन माइनस साइन ए बाई वन प्लस साइन ए। अब देखेंगे राइट हैंड साइड में सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर लाना है, यानी कि माइनस बीच में रहेगा उसका होल स्क्वायर लाना है। तो इसका मतलब वन माइनस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए बाई वन प्लस साइन ए इसको डिवाइड करना। ठीक है, तो ताकि यहाँ पर ऊपर में ये माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस रहेगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारा एक स्टेप इसमें अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से सोचना है, तो वन माइनस साइन ए बाई वन माइनस साइन ए से इंटू डिवाइड कर दिया, तो अभी वन माइनस साइन ए होल स्क्वायर आ गया। और नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, सो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, वन माइनस साइन ए होल स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमको होल स्क्वायर ही चाहिए। नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर है। अभी दोनों में देखिए न्यूमरेटर में स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ गया, तो हम क्या करेंगे दोनों को एक साथ होल स्क्वायर कर देंगे। तो वन माइनस साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर, देखिए दोनों का स्क्वायर होल में चला गया। ओके, अभी इसको क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे क्योंकि हमको दो टर्म चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए दो टर्म सेपरेट टर्म चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे वन बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर रहेगा। और वन बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, और माइनस साइन ए बाई कॉस ए टेन ए, तो ये होल स्क्वायर आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया।